5% वेल्थ से 95% लोग अपनी ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपनी जरूरतों को कंप्रोमाइज करते हैं। वजह क्या होती है, ऐसा क्यों होता है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड की ये जो दोनों क्वाड्रेंट के लोग हैं ये एक्टिव और पर्सनालिटी बेस्ड इनकम जनरेट करते हैं, जबकि राइट साइड के लोग क्या करते हैं कि वो अपना एक एसेट जनरेट करते हैं, वो एसेट बेस्ड इनकम जनरेट करते हैं, यानी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। वो वहां प्रेजेंट रहे या ना रहे, उनका जो है इनकम मल्टीप्लाई होकर के उनको आता है। तो यही कारण है कि इनके पास फिर ज्यादा जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये जो करंट सिचुएशन है हमारे जो करंट सिचुएशन है, जिस तरीके से हम अभी लाइफ स्टाइल हमारे है, वो इस तरह की है कि हम कहीं ना कहीं अपना समय दे रहे हैं। हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, या आपकी अपनी कोई शॉप हो, या आप डॉक्टर्स हो, या आप एडवोकेट हो, या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या एनीथिंग, कोई भी प्रोफेशन आपका हो, उसके जरिए आप जहां पर समय दे रहे होते हैं, वहां आप जब समय दे रहे होते हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे जहां आप समय दे रहे होते हैं, वो प्लेटफॉर्म जिसका है उसका आप एसेट बना रहे होते हैं, और वो आपको इनकम दे देता है थोड़ा सा, और उस इनकम को फिर क्या करते हैं हम और आप, ले जा करके एक स्टोर पर अपनी जरूरतों के सामान खरीदते हैं, और तब जब उस स्टोर पे हम उस अपनी अर्न की हुई मनी से अपनी जरूरतों के सामान खरीदते हैं दोस्तों, तो वहां उस स्टोर वाले का भी हम एसेट बना रहे होते हैं। ये हमारा करंट सिचुएशन, हम अपने इस करंट सिचुएशन में इस तरीके से दो जगह दो लोगों का एसेट बना रहे होते हैं, और हम क्या है थोड़ी सी इनकम के। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो है फ्यूचर सिचुएशन क्या कहता है। ये जो करंट सिचुएशन है, ये जो इंफॉर्मेशन एज मॉडल है, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो नया 21वीं सदी का व्यवसाय क्या कहता है, जैसा मैंने बताया आपको, तो ये इंफॉर्मेशन एज मॉडल जब आप देखते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं कि आप समय दे करके आप वहां समय देते हैं जहां आपका ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो। यानी आप अगर समय दे रहे हैं, आप अपना अगर जो है एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो एफर्ट और वो समय आपका जो है आपके लिए एसेट बना रहा होता है, और वो एसेट के जो बन रहा होता है उसी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ इनकम भी होती है। तो आप इनकम बनाने के लिए भी अपना एसेट बना रहे हैं, और उस इनकम से जब आप अपनी दैनिक जरूरतों के सामान अपने स्टोर पे खरीदते हैं, तो यहाँ भी आपका अपना एसेट जनरेट होता है। ये आपका फ्यूचर सिचुएशन दोस्तों। इसको थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी को समझते हैं कि किस तरीके से आज 21वीं सदी में प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ कर रही है। बहुत तो आप देख रहे होंगे, ये जूम ही को आप ले लीजिए, जूम को आज 2 साल पहले आप कोई जानता ही नहीं था, आज जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है और इस कंपनी को जबरदस्त लाभ हो रहा है। प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी को थोड़ा सा समझिए, ओला और उबर दो चीजें आप दिखाई दे रही हैं, नीचे जो है ओयो और एयरबीएनबी है। ऊपर के उदाहरण में आप देखिए कि आपके पास यदि कार है, लग्जरी कार आपने खरीदा, आप बेहतरीन कार खरीद लिए, और खरीदने के बाद जब आपको जरूरत पड़ती है आप उस कार से चलते हैं। अब उस कार से चलने के लिए सबसे पहली चीज तो कार होना जरूरी है, लेकिन जब कार आपके पास आती है तो आप कोशिश करते हैं ड्राइवर हायर करते हैं। तो कार हायर किया आपने, ड्राइवर हायर किया, और एक कार की मंथली मंथ टू मंथ जो है उसकी मेंटेनेंस, यानी ये कार जिस दिन से हमारे घर पे आती है उस दिन से लेके जब तक ये रहती है तब तक हमारे पॉकेट से कुछ ना कुछ पैसा जो है ये निकालती रहती। अब पैसा भी हमने लगाया और फिर ये हमसे और पैसे ले रही, यानी एक हमारी लाइबिलिटी है। इस लाइबिलिटी को अगर हमने ओला या उबर से जोड़ दिया है तो यही लाइबिलिटी क्या करती है, हमारे लिए इनकम देने लगती है। यही प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। इसी तरह मकान भी है, हमारे पास 3-4 मकान है, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, मकान अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन मकान जब से बनाया हमने तब से लेकर आज तक लगातार हम उसमें कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, मकान की मेंटेनेंस को लेकर सब चीजें हमारी पेमेंट करें। मकान के बना के जब हमने अच्छा खासा वहां पर
हमने लगाया और लगाने के बाद वो हमारे लिए लायबिलिटी बन गया, हमें जो है इनकम देने के बजाय हमारे जेब से पैसे निकाल रहा है। तो अब उसको हमने ओयो या एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म से कर दिया, तो भी हमारे लिए इनकम जनरेट करना, ये था प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी। आपसे बात करना चाहते हैं सोशल कॉमर्स के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट्स। जिस प्रेजेंटेशन की खास पॉइंट थी वो ये कि डायरेक्ट सेलिंग को हम आपसे रूबरू करा सके कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सोशल कॉमर्स क्या है। यहाँ देखिए दोस्तों प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जब हम वर्क करते हैं कि आपके सामने शेयर करेंगे। पहली चीज इसको हमें जानना होगा कि ये दो पार्ट में है, पहला इसका ग्लोबल है जो वर्ल्ड वाइड है। इसको 1959 में एडीए मिशिगन यूएसए में स्टार्ट हुई थी और इसके पास लगभग 450 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं। जिन प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनके पास 1300 प्लस इनके पास पेटेंट इंग्रीडियंट्स हैं जो उन प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग इसके प्रोडक्ट को बहुत हाई क्वालिटी का जानते हैं और मानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसकी आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज में इसका वर्क है। आप देखिए टर्नओवर तो आप देखेंगे कि 8.8 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इसके, ये दुनिया भर में हेल्थ पर इतना बड़ा काम करती है, इसका अपना बहुत बड़ा सीमेंट है न्यूट्रीलाइट, जो आज इस पीरियड में जब लोगों को हेल्थ चैलेंज है, जब लोगों को जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को जिंदगी में खूबसूरत जिंदगी, हेल्दी जिंदगी और हेल्दी सब कराने में मदद करते हैं। अडबल है सर हम, आपकी आवाज आ रही है लेकिन कुछ लोग अपने आप को अनम्यूट मोड पर रखे हैं। अच्छा अच्छा, आप वहीं से म्यूट कर दें ना। बिल्कुल 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 कर दें। ओके थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि ये प्लेटफॉर्म जो हम आपसे आपके सामने रख रहे हैं, एमवे की बात जो कर रहे थे कि इसका दो पार्ट है, एमवे ग्लोबल और एमवे इंडिया। एमवे इंडिया 1998 में लॉन्च हुई इंडिया में और सिर्फ 6 प्रोडक्ट से लॉन्च हुई थी। आज 150 से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में उपलब्ध हैं, 150 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। आप देखेंगे तो डिलीवरी 20,000 पिन कोड पे जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका बहुत जबरदस्त वर्ल्ड क्लास का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई में। आप इसमें देखिए तो आपको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो आज महिला सशक्तिकरण की बातें की जा रही हैं, वो यहाँ पर है। बहुत सारी महिलाएं अपने आप को सशक्त बना रही हैं, अपने आप को मतलब खुद मुख्तार बना रही हैं, सेल्फ मेड बना रही हैं, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। और आप देखेंगे कि इंडिया का जो टर्नओवर इनका है वो 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है। ये इसके कुछ फैक्ट्स थे, आप इसके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, होम केयर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी केयर में आपको देखिए आर्टिस्ट्री जैसा ब्रांड है जो दुनिया का टॉप 5 ब्रांड में से एक माना जाता है। आपके पास एयर प्योरिफिकेशन के दो दो ड्राइव हैं, मिनी और ड्राइव, कार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के ये वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। अब आएगी बात फिर मैं वही इनकम बढ़ाने के बारे में, जब आप सोचेंगे, जब आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे, जब आप खुद का कुछ बनाने के लिए स्टार्टअप की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको चाहिए क्या? सबसे पहली चीज आपको चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए, ब्रांडिंग के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए, प्लेटफॉर्म आपके पास होने चाहिए, वेयर हाउसेज आपके पास होने चाहिए, लॉजिस्टिक्स आपके पास होने चाहिए। यानी इतनी सारी चीजें होने के बाद ही आप किसी अपने खुद के स्टार्टअप के लिए शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो प्लेटफॉर्म से आपको रूबरू कराया है, ये प्लेटफॉर्म आपको क्या करता है, एक टोटल का टोटल चीजें जो है एमवे आपको खुद करके दे देता है। हमें आपको क्या करना रहता है, सिर्फ अपने लोगों से हैंड रेस करना है, लोगों से मिलना है, लोगों से अपना रिलेशन बिल्ड करना है,
दोस्ती बनाना है, उनकी मदद करनी है, उनके हेल्थ को अच्छा करना है, उनके लिविंग स्टाइल को अच्छा करना है, लाइफ स्टाइल को अच्छा करना है, अगर हम ये करने में सक्षम है दोस्तों, तो हम यहाँ बेहतरीन स्टार्टअप कर सकते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो देखिए क्या होता है, आप आते हैं तो आपको कोई ना कोई इस लिंक को दिया होगा, आप उसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं और वो उस अपने अपलाइन से कर, तो ये अपलाइन एक बहुत बड़ा मेंटरशिप है, एक बहुत बड़ी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाते हैं। दूसरा आपको एमवे से आप कनेक्ट हो जाते हैं, जो एमवे आपको हमने बताया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से लेकर के प्रोडक्ट बनाने से लेकर के प्रोडक्ट घर तक पहुंचाने तक की पूरी जिम्मेदारी एमवे उठाती है। तीसरा आपको स्टेप मिलता है PWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। ये आपको क्या करता है दोस्तों, हमारे आपको थॉट्स को चेंज कर देता है, हमारे अंदर जो माहौल का असर है, जो निगेटिविटी है, जो तमाम किस्म की खामियां हैं, उससे हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं और अपने आप को हम ग्रो कर सकते हैं, माइंडसेट को अपने हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल एक अम्ब्रेला के नीचे है, उस छाते के नीचे आने के बाद आप इतना जबरदस्त ग्रोथ करते हैं कि आपका एक धीरे 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 एक विशाल नेटवर्क खड़ा हो जाता है, तो वही नेटवर्क आपके लिए एक एसेट बन जाता है, जो आपके और आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन इनकम का एक सब्स्टिट्यूट होता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कैसे होती है। आप गौर कीजिए, हम जिस पोजिशन में है अभी, करंट सिचुएशन की बात जहाँ हमने की थी, वहाँ क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदते, हम और आप सामान जो खरीदते हैं, जो परंपरागत सामान हमारे घरों पे आता रहा है, उसमें हम रिटेलर से सामान लेते रहे, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकेज, और इस तरीके से जो बीच का मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में जो ये चैनल है, इस चैनल और मैन्युफैक्चरर के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, जिसने इसको समझ लिया वो बहुत कुछ समझ लिया, वो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से समझ पाता है कि मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट हम और आप सामान घर पे लेकर के आते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अगर रियल और रियल आप चेक करेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 40% होती है, लेकिन वो हम तक पहुंचते पहुंचते 60% हो जाता है। डायरेक्ट सेल ने क्या किया, एमवे ने क्या किया, हमें आपको डायरेक्ट दे दिया, यानी कि 40% उसने लिया, 60% हमारे और आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सुनहरा अवसर दे दिया। इसको कैसे देती है, इस 60% को 2 पार्ट में कर देती है, 30% और 30%। फर्स्ट का जो 30% है उसका आप देखिए 4-10% आपको जो है रिटेल मार्जिन दे देती है, और 7-8% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाते हैं, बाकी जो बचता है वो आपका गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है। सेकेंड जो 30% है इसका 2 पार्ट होता है, 21% और 9%। फर्स्ट 21% ये डिफरेंशियल के तौर पे आपको महीने महीने आपको मिलता रहता है, और ये 9% अदर बोनसेस हैं जो आगे चल करके आपको मिलते हैं। इस 21% के डिफरेंशियल को देने का जो तरीका है, चूंकि ये हमने बताया था आपको कि एमवे पूरी दुनिया में काम करती है, तो इसलिए उसका अपना पॉइंट निर्धारित होता है, जो हम परचेजिंग करते हैं उस पर हमें पॉइंट मिलते हैं, वो पॉइंट इस तरीके से मिलते हैं कि जितना भी हम सामान खरीदते हैं उसका 80 रुपीज प्लस टैक्स, लगभग मान के चलिए 105 रुपए का हमें आपको एक पॉइंट मिल जाता है। इस तरीके से अगर हम 20,000 रुपए का लगभग टर्नओवर करते हैं तो हम जो है 3% का बोनस अचीव करते हैं। इस तरीके से 3% से लेकर 3, 6, 9, 12 और 15, 18 और 21% यानी 20,000 से शुरू करके हम 10 लाख का टर्नओवर अगर महीने में करते हैं तो हमें अगर 10 लाख का टर्नओवर अगर हम करते हैं तो हमें 21% का अब इसको आप जरा सा ध्यान दीजिए कि कैसे करना है। मान लीजिए आप आते हैं और एमवे से डायरेक्ट आप जुड़ते हैं और अपने लिए कुछ सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने बताया था 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, अपनी दैनिक ज़रूरतों के अनुसार आपने 5,000-6,000 रुपये का प्रोडक्ट आपने लिया, और इस तरीके से आपने कुछ अपने दोस्त अहबाब, मिलने वाले पड़ोसी, उनको आपने कुछ
प्रोवाइड कर दिया, और इस तरीके से आपका और आपके पांच छह लोगों का सब टोटल जो आपका टर्नओवर हुआ वो लगभग 10,000 यानी 100 पीवी का आपका टर्नओवर हुआ। आपको उपलब्ध मिलते हैं महीने भर में, तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आपको रिटेल मार्जिन लगभग 400 रुपीज मिल जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट आपको 800 रुपए मिल जाते हैं, और CSI आपको मिल जाता है, टोटल आपको लगभग 2,000 रुपए की इनकम होती है। यही अगर आप सेकंड स्टेप में देखेंगे तो आप जब आप 10,000 रुपए का सामान लेके कुछ अपना इस्तेमाल करते हैं, कुछ आपके दोस्त लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे लोग सेटिस्फाइड होते हैं। यही बात आपसे मैं साफ कर दूं कि सेटिस्फेक्शन अगर आपको होता है तो आप आगे बढ़िए, यदि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आपको कंपनी एक मौका ये भी देती है कि आप 30% खुद इस्तेमाल कर लीजिए और आपके कस्टमर्स भी इस्तेमाल कर लें, और अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप सामान वापस कर सकते हैं। कंपनी आपको 30% यूज किया हुआ सामान विद इन 30 डेज वापस लेने की गारंटी लेती है। तो जब आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो हम और आप अब लोगों से बात करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, दीगर तमाम लोगों से ऐसे बात करते हुए पांच छह लोगों को अपने इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, और वो भी जो आपका और आपके लोगों का टोटल टर्नओवर जो होगा वो 70,000 का होगा, और 70,000 के जो टर्नओवर हुआ है इस पर सारी CSI और ट्रेड डिस्काउंट और रिटेल मार्केट और जो है आप देखेंगे कि डिफरेंशियल, ये तमाम चीजें मिला करके लगभग आपको 4,800 रुपए के आसपास का लाभ। आप इसको और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब आपके छह को तो चार लोगों को पकेंगे कि आपके छह लोग और आपके चार लोग हो, टोटल आपके पास संख्या होगी 24, छह और आप मिलाकर के आपके पास 31 की संख्या है। ये 31 लोग एक साथ मिलकर के अगर 10,000 का बिजनेस करते हैं, 100 टीवी करते हैं, तो आप देखेंगे कि 3,10,000 रुपए का टर्नओवर हो करके